राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम मुझे डर लगता है। वो सब लड़कियां छात्रावास में रहती थीं और उस दिन सुबह नदी के किनारे इकट्ठी हुई थीं। कल बत्ती बंद करने के बाद एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी थी। लाल स्वेटर वाली लड़की ने पूछा, मुझे तो बहुत डर लगा, आखिर वो क्या था? मैं नहीं जानती, शीला ने कहा। ललिता खोई खोई सी थी। उसने धीरे से कहा, जानती हो, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। मेरी माँ मेरे पिताजी से बहुत डरती हैं। वो शराब पीते हैं और रात को जब घर लौटते हैं तो हम सबको बहुत डर लगता है। हमारे घर तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, शीला ने कहा। मेरे पिताजी माँ से बहुत डरते हैं, मेरी माँ बहुत सख्त हैं। वे सब अपने अपने डर के बारे में बातें करती रहीं। उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई अध्यापिका उन्हें कुछ करने पर या ना करने पर डांट देंगी। कभी उन्हें लगता कि अगर उन्होंने कक्षा में किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो उनकी सहपाठी ने उन पर हंसेंगी। इस डर से वे कक्षा की चर्चाओं में भाग न लेती। कभी कभी उन्हें इस बात का डर रहता कि पीटी, खेल अथवा नृत्य की कक्षाओं के लिए उन्हें देर न हो जाए। और परीक्षा का भय तो सदा ही लगा रहता। किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाएं, तो उनके माता पिता उनके प्रगति पत्र को देखकर क्या कहेंगे? ये भी एक आम भय था। और कुछ एक ने कहा कि जब उनकी तुलना उनके भाई बहनों अथवा किसी से भी की जाती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वे ये जानते थे कि उनके माता पिता निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। इन लड़कियों को छोटे छोटे भय खाए जा रहे थे। परंतु क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि वे सब लोग भविष्य में कुछ होने की आशंका को लेकर भयभीत थे और वो सब भी उनके अपने दिमाग की उपज थी। पहले तो दिमाग में विचार उठता है कि कुछ होगा और उसी समय मन में भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार का भय और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा विचार है कि भविष्य में कुछ हो सकता है, या फिर एक याद है कि पहले कभी ऐसा हुआ था। हम सदा इससे बचने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह भय या तो भविष्य में होता है या भूत में।
कभी वर्तमान का नहीं होता। इस पर भी सोचो कि जब तुम डर से भरे हुए होते हो तब क्या होता है। सोचो कि तुम्हारे मन में इस बात का डर है कि तुम अपने सहपाठियों में लोकप्रिय नहीं हो, या ये सोचकर कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, या यदि वो तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते तब क्या होता है। तुम हर बात में उनकी नकल करने लगते हो, है ना? तुम हर बात में, जैसे उनके कपड़े, उनका बातचीत करने का ढंग, उनकी भाषा, उनकी बातें, उनकी चाल, काम करने का ढंग आदि में उनकी देखा देखी करते हो। अगर तुम अलग ढंग से कपड़े पहनना या कुछ और करना चाहो तो भी अपने विचारों को दबाकर वही करते हो जो और करते हैं, क्योंकि तुम किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते। धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों से आगे बढ़कर तुम्हारा सोचने का ढंग भी औरों के समान हो जाता है, क्योंकि तुम औरों से अलग कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तुम्हारी मौलिकता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार भयभीत होकर तुम सृजनात्मक शक्ति खो बैठते हो। अगर तुमने अपने आप को सदा दूसरों के भय रूपी पिंजड़े में बंद रखा तो ये कभी ना जान पाओगे कि स्वतंत्रता क्या होती है। और ध्यान रखो, ये बात बड़ों पर भी उतनी ही लागू होती है। कई पुरुष और स्त्रियां समाज के विचारों से बहुत डरते हैं। उनके मन में सदा इस बात का भय रहता है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। इस दृष्टि से वे बिल्कुल बच्चों के समान हैं। वे भी स्वतंत्र और खुश नहीं होते, और इसी कारण उनकी मौलिकता तथा सृजनात्मकता नष्ट हो जाती है। फिर सोचो कि हम अपने भय के साथ क्या करें। क्या ये उचित है कि हम उसकी अनदेखी कर दें और अपने स्कूली जीवन में छोटे छोटे भय इकट्ठे होने दें और ये आशा करें कि एक दिन हम उस भय से मुक्त हो जाएंगे। क्या ये उचित है कि हम भय से भागकर कोई खेल खेलें या फिर कोई मजेदार सिनेमा देखें और ये आशा करें कि उससे भागकर हम भय को दूर कर सकते हैं? अथवा क्या हम उसे दबा लें और रोज अपने आप से कहें, मैं बहादुर हूं, मैं किसी से नहीं डरता, जबकि वास्तविकता ये है कि हम डरे हुए हैं। अथवा क्या ये अधिक बुद्धिमानी का कार्य होगा कि तुम हर घटना को समझने का प्रयत्न करो जब वो घटती है, ताकि भय की जड़ तुम्हारे मन में पनप नहीं ना पाए और ये छोटे छोटे भय तुम्हारे दिल में जमा होकर एक बड़े डर का रूप ना ले लें। कुछ दिन प्रयत्न करो और देखो कि क्या होता है। साथ ही घर तथा स्कूल में इस विषय पर चर्चा करो। अपने भय को दूसरों के साथ बांटना काफी मजेदार हो सकता है।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।